ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आगे बढ़ते हैं, बड़ी खबर आ रही है। मनोज सिन्हा राज्यसभा के सांसद बनेंगे, असम या गुजरात से जाएंगे उच्च सदन में। गुजरात में राज्यसभा की 2 सीटें खाली हो रही हैं। अमित शाह, स्मृति ईरानी की सीट खाली होगी। असम में भी 2 सीटें खाली हो रही हैं। इन सीटों पर 7 जून को वोट होगा। असम की 1 सीट भाजपा ने AGP को दी है, दूसरी सीट पर अभी नाम तय नहीं हुआ है। तो ये बड़ी खबर सूत्रों के हवाले से आ रही है। मनोज सिन्हा राज्यसभा सांसद बन सकते हैं, राज्यसभा के जरिए सदन उच्च सदन जा सकते हैं। मनोज सिन्हा गाजीपुर से 2014 में चुनाव जीते थे और 2019 के लोकसभा चुनाव में गठबंधन प्रत्याशी अफजाल अंसारी के हाथों हार मिली है मनोज सिन्हा को। उसके बाद अब मनोज सिन्हा राज्यसभा के जरिए उच्च सदन में जा सकते हैं, राज्यसभा सांसद बन सकते हैं मनोज सिन्हा। ये बड़ी खबर आ रही है, असम या गुजरात से उच्च सदन में जाएंगे मनोज सिन्हा। असम की 1 सीट भाजपा ने AGP को दी है, दूसरी सीट पर अभी नाम तय नहीं हुआ है। तो असम की 1 सीट पर जा सकते हैं और गुजरात की भी 1 सीट से जा सकते हैं मनोज सिन्हा। अमित शाह और स्मृति ईरानी के बाद गुजरात की 2 सीटें खाली हो गई हैं, तो मनोज सिन्हा को राज्यसभा भेजा जा सकता है, राज्यसभा जा सकते हैं मनोज सिन्हा असम या गुजरात की किसी सीट से।